टाइम लैप्स में जो आपने जो पहाड़ देखा वो भूटान है। आई होप सो यू एंजॉयड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज आई वॉज कंटिन्यूइंग इन द फर्स्ट पार्ट दैट मैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज जो है स्कूल मेमोरीज कुछ दिखाने वाला हूँ, तो उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मेरे फेयरवेल का शर्ट वगैरह, और लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गया, मैं अपनी मेरी रैंप वॉक जो मैं अपने पार्टनर से साथ किया था, मैंने मेरे फ्रेंड हम लोग जो है मतलब एक्चुअली स्कूल का एक फेयरवेल होता है और हम लोग जो है एक अनऑफिशियल फेयरवेल रखते थे हमेशा। तो अनऑफिशियल वाला फेयरवेल होता था वो जो है मच मोर इंटरेस्टिंग होता था, वहाँ पे मतलब नाच गाना एकदम नॉन स्टॉप, हर चीज़ किसी चीज़ में रोक टोक नहीं थी। भी दोस्त लोग जो है अफलातून मस्ती करते थे, उसमें हमने रैंप वॉक का एक सेशन था, रैंप वॉक किया मैंने और मेरी वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड प्रिया। फेयरवेल की जब याद आती है तो मतलब एक अलग ही इमोशनल सी फीलिंग आती है। मतलब मैं जब भी बीच बीच में ऐसे एक बार वीडियोस फोटोज़ वगैरह देखते रहता हूँ अपने स्कूल का अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी तो मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है, मतलब मैं रेगुलरली हमारा बात होते रहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग डिस्टेंस में हैं। और कॉलेज गए हैं फिर भी हम लोग जो है मतलब फ्रिक्वेंटली कॉन्टैक्ट में रहते हैं हमेशा। टॉकिंग अबाउट स्कूल, मेरा स्कूल में पेंटिंग्स में और आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं मतलब क्रिएटिव टाइप की पेंटिंग वगैरह और मतलब क्रेयॉन्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था। तो क्रेयॉन्स के साथ मैंने जैसे हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैंने एक उसकी एक ड्राइंग बनाई थी मोगली की, द जंगल बुक की, तो उसका एक छोटा सा टाइमलेस था, वो आप लोग देख लो। सो आई होप यू गाइस एंजॉय द टाइम लैप्स, और वो क्रेयन की जो आर्ट थी वो भी आपको पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगी थी, ऐसे मैं फटाफट बना लिया था, करीबन आधा घंटा का समय लगा था उतने में मैंने बनाया वीडियो। फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ आर्ट यू गाइस नीड डिफरेंट शेड्स ऑफ क्रेयन्स, एंड सबसे जो लाइट कलर का जो क्रेयन है उसको आप फर्स्टली यूज करना और उसके ऊपर चार पाँच शेड्स की और लेयर चढ़ा देना, उसके बाद आपको एक पॉइंटेड कोई नीडल या फिर आप कंपास यूज कर सकते हो जिससे आपको ड्राइंग करनी है। इसमें एक ये डिमेरिट है कि आप इरेजर यूज नहीं कर सकते, आप जो बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा, तो जिसका हाथ बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो ही बना सकते हैं इसको, और मतलब काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। सो ये सब चीज़ जो है आपको माइंड में रखना पड़ेगा। दिस इज माई ड्राइंग कॉपी फ्रॉम माई 9th स्टैंडर्ड, and I'm going to show you some of my paintings that I did when I was a kid. स्कूल में आर्ट से ज़्यादा मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। एक कंपटीशन होता था स्कूल में साइंस एग्जीबिशन, वो हर साल होता था और हमेशा हम लेते थे पार्ट, और उसमें से दो बार हम लोग जीते भी, एक बार सेकंड पोजीशन आए थे और एक बार थर्ड पोजीशन आए थे। तो थर्ड पोजीशन जब हम लोग आए थे तब आई वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप, एंड हमने कुछ मैजिक विद मिरर्स नाम का टॉपिक रखा था और हमने मिरर से बहुत काफ़ी चीज़ें बनाई थी। द मेन थिंग वी मेड वॉज द इन्फिनिटी मिरर,
वो अगर मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर अभी दिखा देता, पता नहीं लेकिन वो कहाँ पे है, वो काम भी कर रहा होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो जो रश रहता था ना, मतलब साइंस एग्जीबिशन के टाइम पे, मतलब एक महीने पहले हम लोग को बता दिया जाता था कि आपका साइंस एग्जीबिशन होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो हम लोग फटाफट ये सर्च करते थे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स क्या होगी, ऐसा क्या हम लोग बना सकते हैं जो सबसे अलग हो और सबको ज़्यादा पसंद भी आए और काफ़ी इनोवेटिव होना चाहिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। एक हमारी मतलब शेड्यूल बनी रहती थी कि हम लोग पहले स्कूल जाएंगे, स्कूल से आकर ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन के बाद जो है मिलेंगे सब लोग, इंटरनेट में सर्च करेंगे क्या क्या चीज़ मिल सकता है क्या नहीं। तो याद आने वक्त बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। बाय द वे रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और क्वारंटीन में रह के रोज़ा रखना काफ़ी ज़्यादा आसान तो हो गया और नमाज़ भी पढ़ पा रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इस बार जो है रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पिछला बार जो है मैं रमज़ान में रोज़ा पूरा तरीके से नहीं रख पाया था क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था जिसके बारे में मैं आपको कभी एक पूरा फुल वीडियो उसको डेडिकेट करूँगा, अच्छे से बताऊँगा आप लोगों को। बाय द वे टाइम लैप्स में जो आपने जो पहाड़ देखा वो भूटान है, मेरे घर के ठीक अराउंड 100 meters दूर में ही भूटान गेट है। स्कूल में आप अगर बैक बेंचर नहीं हो तो आपने लाइफ को जो इंजॉय किया ही नहीं है, वो लास्ट बेंच में रहकर मतलब चिल्लाना, टीचर्स के नाम लेना, कुछ अलग अलग नाम से उनको चिढ़ाना, तो ये सब एक अलग ही फन था। वी यूज़ टू डू इट अलॉट, मी एंड माई फ्रेंड्स, वी आर वेरी मिस्चीवियस। मतलब जो प्रिंसिपल सर वो हमें हेट करते थे, ही यूज़ टू कॉल मी मिस्टर अली, दैट अली बॉय इज़ वेरी बैड। ही वॉज साउथ इंडियन, सो उनका जो एक्सेंट था थोड़ा अलग टाइप का था, तो उसकी वजह से मतलब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आती थी, लेकिन वी यूज़ टू रेस्पेक्ट हिम अलॉट। मतलब हर टीचर्स को रेस्पेक्ट करते थे, कभी उनसे मुँह नहीं लड़ाया, ना कभी उनके बारे में कुछ बुरा बोला, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर मजाक उड़ाते थे, तो वो सब तो चलता था हमारे। हम टीचर्स के साथ में भी मजाक काफ़ी करते थे तो वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। सो दिस आर द थिंग्स दैट आई यूज़ टू डू इन माई स्कूल। आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस सेकेंड पार्ट ऑफ माई स्कूल मेमोरी, एंड इफ़ यू इन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, ऑल्सो शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड तब तक के लिए adios amigos, goodbye and take care.